नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2023 में पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा एंड गामा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है टी फ्रॉम आर टू से आर टू में जा रहा है, यहाँ पर डोमेन भी आर टू है और कोडोमेन भी क्या है आर टू ही है। और यहाँ पर कहा है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यदि हम टी की जगह टी में यदि हम आर टू का वेक्टर 1,1 डाल दें तो हमें आर टू का ही वेक्टर मिल जाता है 1-2। और कहा है कि यदि हम टी में -1,1 डाल दें आर टू का वेक्टर तो हमें कोडोमेन आर टू का वेक्टर हमें मिल जाता है 2,3 मिल जाएगा। ऐसा इसने कहा है कि मिल जाता है हमें। तो इसने कहा है कि यदि हम इसी तरीके से -1,5 डाल दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला पूछा है कि x1 x2 यदि कुछ भी डाल दें तो आप उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करके दीजिए कि उस फार्मूले से डायरेक्ट हम ये वैल्यू सारी फाइंड कर पाएं। ठीक है, तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो स्टेप आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, नहीं तो यदि आप स्टेप भूल जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग टी -1,5 फाइंड करते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए लिखो टू फाइंड टी -1,5। थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ठीक है, लेकिन आसान रहेगा जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, तो इसको सीख लेना इस मेथड को। टी -1,5 हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखो वी फर्स्ट, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा मैं सारी चीजें, एक्सप्रेस द वेक्टर किस वेक्टर को, जिसको हमें निकालना है, तो -1,5 निकालना है, तो यहां पर लिखो इसको v कहेंगे, v इज इक्वल टू है -1,5। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, किसके साथ, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1, तो v1 किसको लोगे, v1 लोगे इसको, ठीक है, v इसको लोगे जिसको निकालना है, बाकी ये v1 है और ये v2 है, तो v1 है हमारा 1,1 एंड v2 है हमारा -1,1। तो इसके साथ में हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो यहां पे लिखो दैट इज वी नीड टू फाइंड कांस्टेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, तो वी नीड टू फाइंड कांस्टेंट a1 और a2 सच दैट, कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे, तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, देखो ये ऐसे लिख जाएगा, v को लिखना है ना लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तो ये a1 v1 प्लस a2 v2, यानी कि v को हमने v1 और v2 के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो इस तरीके से हमें लिखना है, तो ये a1 और a2 हमें पता चल जाए तब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाएंगे। तो ये a1 a2 कैसे फाइंड करना है, अब देखो यहाँ पे लिखो विच लीड्स टू द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे सरल रास्ता है कि इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, तो यहां पर लिखो पहले यहाँ पर v1 लिखोगे, तो v1 क्या है हमारा 1,1, तो 1,1 यही सब चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि एग्जाम में ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या चीज लिखनी है। ठीक है, v2 लिखना है तो यहाँ पर v2 लिखो -1,1, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हो तो v लिखो, तो v क्या हो गया -1,5, तो -1,5 ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब इसको क्या करोगे, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म तक लेकर के आओगे। ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिखता जा रहा हूँ आपके लिए, तो v
ट्रांसफॉर्म वी ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स टू रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म ठीक है। तो रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म तक लेकर के आएंगे तो इसका मतलब क्या है, वन है तो वन के नीचे जीरो बनाएंगे, यहां वन है तो इसके ऊपर जीरो बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले आर टू में ऑपरेशन लगाते हैं, तो आर टू में कर दो आर टू माइनस आर वन, तो ये हो जाएगा आपका वन जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन और आर टू माइनस आर वन, तो ये टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वन बनाना है, तो यहाँ पर वन कैसे बनाओगे, टू से डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर टू में वन बाई टू आर टू कर देंगे, तो ये हो गया वन जीरो माइनस वन और यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ माइनस वन है, टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें यहाँ ऊपर जीरो बनाना है, तो आर वन में आर वन प्लस आर टू कर दो, तो यहाँ पर देखो कर देते हैं या नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग लगा रहे हैं ऑपरेशन आर वन में आर वन प्लस आर टू, तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी वन जीरो जीरो वन और फिर यहाँ पर आ जाएगा टू थ्री। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म आ जाए, इसके बाद यहाँ पर इस लाइन के इधर साइड जो भी यहाँ पर वैल्यू आएंगी वो किसकी वैल्यू होंगी, जो हमने कांस्टेंट फाइंड करना था A1 और A2, इनकी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ये मैट्रिक्स क्या देगी, दिस गिव्स A1 इजकल टू टू एंड A2 इजकल टू थ्री। ठीक है, तो ये जो स्केलर हमको यहाँ पर फाइंड करना था, देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा था ना A1 B1 प्लस A2 V2, तो V1 V2 तो हमें पता थे, V भी पता था, लेकिन A1 और A2 फाइंड करना था। We need to find constant A1 और A2। तो इस तरीके से A1 और A2 augmented matrix बना करके और फिर solve करके और इसकी value आप लोग इस तरीके से find करोगे। तो यहाँ तक की बात आप लोग को clear हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर लिखो, so V is equal to A1, तो A1 कितना है 2, V1 plus A2, A2 है 3, V2। ठीक है, V को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब देखो कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको समझो, अब T लगा दो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो TV हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी आप T लगाओगे तो इधर पर हो जाएगा 2V1 प्लस 3V2। ये बात समझ में आई। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है कि इस ऊपर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, स्केलर बाहर आएगा, वेक्टर के साथ वेक्टर के साथ टी लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी टी वेक्टर के साथ ही लगेगा केवल। ठीक है, V1 है, V2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 V1, तो यहाँ पर लिख लो V1 हमारा कितना था, V1 था हमारा 1,1 प्लस 3 टी। V2 कितना था, V2 था हमारा -1,1। ठीक है, अब यहाँ पर भी रख लो, V कितना था हमारा, V था हमारा -1,5, और यही हमको फाइंड करना था। तो देखो 2 T 1,1 और T -1,1 ये वैल्यू हमको गिवन है। देखो T 1,1 की वैल्यू ये है और T -1,1 की वैल्यू 2,3, तो रख दो यहाँ पर। तो T 1,1 की वैल्यू हो गई हमारी 1,-2 प्लस 3, T -1,1 की वैल्यू हो गई 2,3। अब इसको देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4 प्लस, यहां पर आ जाओ तो ये 3 2 6 और 3 3 9, यहां तक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया, और -4 और 9 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपने वैल्यू निकाली टी माइनस वन कामा फाइव की, ठीक है, तो यही वैल्यू हमको निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो यहां पर टी माइनस वन कामा फाइव निकाल लिया, अब हमको फार्मूला निकालना है x1 x2 यदि कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो उसके लिए फार्मूला हमें निकालना है। तो देखो फार्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखो ये तो आपने निकाल लिया, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां से लिखो टू फाइंड टी एक्स वन कामा एक्स टू, तो यहां पे लिखो फॉर एनी एक्स वन कामा एक्स टू, है ना, कोई भी आप एक्स वन एक्स टू की जगह कोई वैल्यू रखो, तो उसको यदि हमें निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, फार्मूला हमें निकालना है इसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखो v, सेम वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने पहले किया हुआ, तो v रो रिड्यूस, तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो वही सेम मैट्रिक्स बनेगी v1, तो v1 आ गया 1 कामा 1, v2 माइनस 1 कामा 1, और फिर इसको निकालना है, तो इसकी जगह यहां पर रख दो इस बार x1 और x2, इस साइड रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म बनाओ, तो r2 में चेंज करो, यहां पर जीरो बनाना है, तो r2 माइनस r1 कर दो, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 1 कामा 0 माइनस 1 कामा 2, और यहां पर x1, यहां x2 माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, 2 है तो यहां पर 1 बनाना होगा, तो r2 में चेंज करो, r2 में 1 बाई 2 r2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 और 1, यहां पर x1, और इधर पर क्या आ जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 बाई 2, ठीक है। अब यहां 1 बन गया, इसके ऊपर 0 बना दो, तो इसको ऊपर जब 0 बनाओगे तो क्या करोगे, R1 में हमें चेंज करना है R1 प्लस R2, तो देखो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, और यहां पर आ जाएगा X1, चलो पूरा मैं सॉल्व करके ही सीधे लिख दे रहा हूँ, X1 प्लस X2 बाई 2, और यहां पर क्या है X2 माइनस X1 बाई 2, ठीक है। तो इधर देखो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म आ गया ना, अब ये यहां से हमारी वैल्यू निकल करके आ गई, A1 A2 जो निकाल रहे थे हम लोग, तो वही स्केलर यहां पर आ गए, तो यहां पर लिख सकते हो आप 10, हम लोग को x1 x2 निकालना था, तो यहां पर x1 x2 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो A1 हमको मिल गया ये, तो x1 प्लस x2 बाई 2, और v1 प्लस A2 हमको मिल गया ये, तो A2 की जगह पर रख दो x2 माइनस x1 बाई 2 और v2, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, t अप्लाई करेंगे, तो t लगा दो इधर भी x1 x2, तो इधर भी t लगाओगे तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तो स्केलर बाहर आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, और t केवल वेक्टर में लग जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी x2 माइनस x1 बाई 2, और t किस में लग जाएगा, v2 में लग जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, और tv1, देखो tv1 की वैल्यू कितनी आई है, tv1 v1 की जगह ये रखा है, और इसकी वैल्यू आई है 1 कामा माइनस 2, है ना, तो यहां पर सीधे अब रख दो 1 कामा माइनस 2 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2, और tv2, देखो tv2 v2 की जगह माइनस 1 कामा 1 था, ठीक है, तो t माइनस 1 कामा 1 की वैल्यू आई है 2 कामा 3, तो यही यहां पर भी रख दो 2 कामा 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x1 प्लस x2 को, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और यहां पर आ जाएगा माइनस का x1 बाई x1 प्लस x2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा, प्लस यहां भी ऐसे ही कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x1, और यहां पर आएगा आपका 3 इंटू x2 माइनस x1 बाई 2, ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकालोगे। अब क्या करना है, अब ऐड करना है इन दोनों वेक्टर को, तो जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर
इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x2 माइनस x1 बाई 2, और इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 5x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये हमने यहाँ से फार्मूला निकाल लिया कि tx1, x2 यदि हमें निकालना है, ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखना चाहते हो कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, तो देखो हमने यहाँ पर अभी क्या निकाला है, t-1,5 निकाला है ना, तो 8,5 आया। तो यहाँ पर रख करके देख लो फार्मूला सही है कि नहीं सही है। t-1,5 निकाल करके देख लो, तो देखो यहाँ पर 3x2 है हमारे पास 5, तो 5×3=15 माइनस x1 है हमारा 1 माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 बाई 2, और यहाँ पर भी रख दो माइनस का 5x1, तो ये हो गया प्लस का 5, और प्लस x2 है हमारे पास 5, तो यहाँ पर रख दो 5 और बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 15×16/2 यानी कि 8 आ गया, और 5×5=10/2 यानी कि 5 आ गया। तो 8,5 ही हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हमारा आ गया है, यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू रख दोगे तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमको निकालना था, ये चीज तो हमने निकाल लिया, तो इसको भी यहाँ पर अपना ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। दो चीजें हमने निकाल ली, अगली चीज देखते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर यहां तक हमने कर लिया। अब हमको ये मैट्रिक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा गामा। तो बीटा हमको 1,1 -1,1 दिया है और गामा ये दिया है, तो देखो इसको कैसे फाइंड करना है इस मैट्रिक्स को। तो यहां पर लिखो नाउ वी हैव, हमारे पास देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास टी फ्रॉम R2 से R2 है, ठीक है। गिवन एज इसका फार्मूला हमने अभी निकाल लिया है, फार्मूला क्या आया है, t x1 comma x2 यदि डालेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिलेगा 3x2 - x1/2, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 5x1 + x2/2, ठीक है। इस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमें। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालना है, तो यहां पर लिखो द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या निकालोगे, टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड गामा, तो ऑफ टी ये मैट्रिक्स निकालोगे टी की विद रिस्पेक्ट टू, लिख लो पूरा, रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा, ठीक है, इज गिवन बाई, इसको कैसे दोगे ये यहां पर लिख लो। ये जो मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं यहां पर, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे दोगे इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा टी बीटा गामा, ये कैसे निकलेगी, तो यहां पर निकालोगे पहला कॉलम जो रहेगा वो आपका रहेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर टी वी वन विद रिस्पेक्ट टू गामा, फिर अगला आएगा टी वी टू विद रिस्पेक्ट टू गामा, ठीक है, ये गामा है आपका। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेगी, तो ये पहला कॉलम इसका होगा, दूसरा कॉलम टी वी टू विद रिस्पेक्ट टू गामा का होगा। तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा सीधा निकाल करके कहीं से भी कुछ रख रहे हो। तो यही ये जो मैट्रिक्स है ना टी बीटा गामा, तो ये बनेगी इस तरीके से। तो अब ये निकालना होगा और इसको भी निकालना होगा, फिर यहाँ पर रख दोगे आप सीधे। तो चलो अब इसको निकाल करके देखते हैं। तो मैंने आपसे बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से बिल्कुल तैयार रखना है स्टेप, और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे फिर। तो यहाँ पर टी वी वन विद रिस्पेक्ट टू गामा निकालना है, तो यहाँ पर वी वन क्या है, तो लिख लो वेयर, जो वी वन है हमारा ये है 1,1, और वी टू क्या है हमारा,
तो वी टू है हमारा माइनस वन कामा वन, ठीक है, आर द बेसिस वेक्टर इन बीटा, ठीक है। तो जो बीटा में जो दिए होंगे, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप देखो, दिक्कत ये हुई है कि ये जो यहाँ पर बेसिस दिया है ये वन कामा वन और माइनस वन कामा वन ही दे दिया है, ये जो वन कामा वन और माइनस वन कामा वन डाला है इसी को दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आपको लग रहा होगा कि इन्हीं वेक्टर को उठा करके डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पर कोई दूसरा बेसिस भी देता तो फिर क्या होता, आप यहां से उठा करके वेक्टर है आपको रखना है, ये जो वी वन और वी टू यहाँ पर रख रहे हो ये आपको ये बेसिस से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये हम लोग यहाँ पर इसी वजह से मैंने लिख दिया है, ये वेक्टर कहाँ के हैं, वेक्टर बेसिस वेक्टर है इन बीटा के, ठीक है। यदि दूसरे वेक्टर भी आ जाए तो उनको रखना आप लोग, ये नहीं कि वहीं से उठा करके रख दो पहले वाले से ही, ठीक है। तो ये वी वन और वी टू समझ में आ गया आपको। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखो सब्स्टिट्यूटिंग ईच बेसिस वेक्टर इन बीटा इनटू द गिवन फार्मूला फॉर टी सोज दैट, तो जब आप रखोगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टी हमने फार्मूला निकाला है तो इस पर इन वेक्टर्स को रखना होगा, है ना। लेकिन ये वेक्टर जो है यहाँ पर दूसरे यदि रखे जाएंगे तो फिर उनको आप रख करके देखोगे, लेकिन यदि आप इन्हीं वेक्टर को रखोगे वन कामा वन को, है ना जी, क्योंकि हमको यही दिया है तो हम यही रखेंगे। यहाँ पर रख लेते हैं टी वन कामा वन, तो टी वन कामा वन की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर सेटिस्फाई रखोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी वन कामा माइनस टू, और ये वैल्यू हमको गिवन भी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमको दिए है वन कामा वन की वैल्यू ये दी है, माइनस वन कामा वन की वैल्यू टू कामा थ्री दी है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो इसी चीज को। फिर इसके बाद टी और माइनस वन कामा वन रखना है तो ये आ जाएगा आपका टू कामा थ्री, ठीक है। तो यहां तक आपने निकाल लिया, अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वी मस्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दीज इमेजेज इन आर टू, ठीक है। तो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर टू से ही आर टू में है, तो मैं किस R2 की बात कर रहा हूँ, मैं इस R2 की बात कर रहा हूँ कोडोमेन वाले की, ठीक है। तो जैसे कि अब जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हो सकता था R2 से R3 होता, है ना, R2 से R3 होता, तो यदि R2 से R3 है तो R3 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर दीज इमेजेस इन R2, यहाँ पर लिख लो अपने याद के लिए कि ये कोडोमेन वाले R2 की बात की जा रही है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द गामा, है ना। हमें अब कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द गामा बेसिस। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर लिख लो टू डू दिस वी यूज यहां पर लिखो कोऑर्डिनेटाइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करेंगे, तो यहां पर लिख लो दस वी मस्ट रो रिड्यूस द मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करना है तो उसको भी ध्यान रखना, वी रो रिड्यूस द मैट्रिक्स। तो देखो अब यहां पर किस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर W1 लिखोगे, यहाँ पर W2 लिखोगे और फिर यहाँ पर TV1 लिखोगे, ठीक है। TV1 अभी हमने निकाल लिया है, TV1 क्या है हमारा, ये है हमारा TV1, है ना, ये क्या है TV1 है और ये क्या है TV2 है,
वी टू क्या है, माइनस वन कामा वन है, तो माइनस वन कामा वन टी वी टू हो गया, और वी वन क्या है, वन कामा वन, तो वन कामा वन की जगह वी वन रख दिया, तो ये टी वी वन है। ठीक है, तो ये हमने पहले निकाल रखा है, तो टी वी वन टी वी टू। इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करना है हमें, तो यहाँ पर रो रिड्यूस करो और यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लो डब्लू वन और डब्लू टू क्या है, यहाँ पर लिख लो वेयर गामा बेसिस है डब्लू वन और डब्लू टू, वी वन और वी टू क्या थे, बीटा बीटा बेसिस थे, बीटा के बेसिस थे, और बेसिस में बीटा बेसिस में जो एलिमेंट थे वो वी वन वी टू थे, गामा बेसिस में जो है वो डब्लू वन डब्लू टू है। तो यहाँ पर लिख लो डब्लू वन इजकल टू है वन कामा माइनस टू और डब्लू टू है टू कामा थ्री आर द बेसिस वेक्टर इन सी, बेसिस वेक्टर इन गामा। देखो यही चीज जो मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पर गामा में वेक्टर लिया ना, यहां से उठाया है इसको, यहाँ पर दूसरे भी हो सकते हैं, आपको ये मत समझ लेना कि यहां से ले लिया है, यहां से नहीं लिया है, यहां पर कोई दूसरा भी वेक्टर हो सकता था तो उसको ले सकते थे, तो यहां पर जो वेक्टर होगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बेसिस में जो वेक्टर होगा उसको डब्लू वन डब्लू टू है कह रहा हूं मैं, तो गामा वेक्टर में जो है उनको डब्लू वन और डब्लू टू मैंने कह दिए, तो अब रख दो यहां पर और रो रिड्यूस करो इसको। देखो डब्लू वन हमारा कितना है वन कामा माइनस टू, डब्लू टू कितना है टू कामा थ्री, फिर टी वी वन, तो टी वी वन है हमारा वन कामा माइनस टू और टी वी टू है टू कामा थ्री, तो यहाँ पर रख लो पूरा वन कामा माइनस टू और यहाँ पर है टू कामा थ्री, तो देखो सेम सेम आ गया पूरा, जो मैट्रिक्स यहाँ है वही इधर भी है ना, तो अब इसको रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म बनाओ, जो इधर बनेगा वही इधर भी बनता जाएगा, तो यहाँ वन है इसके नीचे जीरो बनाना है, तो आर टू में कर दो आर टू प्लस टू आर वन, तो ये हो जाएगा आपका वन कामा जीरो और इधर पर हो जाएगा टू कामा सेवन, इधर पर भी वन कामा जीरो टू कामा सेवन, यहाँ जीरो बन गया, यहाँ पर सेवन है तो इसको वन बनाना होगा, तो वन बनाओगे तो सेवन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आर टू में डिवाइड कर दो वन बाई सेवन आर टू, तो ये क्या बन जाएगा वन जीरो टू वन और इसके बाद वन जीरो टू वन बन जाएगा, यहाँ पर वन है इसके ऊपर जीरो बनाना है, तो ऊपर जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे आर वन में रिप्लेस कर दो आर वन माइनस टू आर टू, तो ये हो जाएगा आपका वन जीरो जीरो वन और इधर भी हो जाएगा वन जीरो जीरो वन। ठीक है, तो देखो तो आगे क्या ध्यान रखोगे, इधर साइड जब रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म बन जाएगा इधर पर, तो यहां पर जो भी मैट्रिक्स आएगी है ना, यानी कि ये जो पहला कॉलम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूं मैं, देखो इस पहले कॉलम को बोलेंगे, इसकी बात कर रहा हूं ये इस कॉलम की, तो ये होगा हमारा टी वी वन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू गामा बेसिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वन कामा जीरो। ठीक है, इसको लिख दिया, अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा टी वी टू विद रिस्पेक्ट टू गामा, तो इसको लिखेंगे तो जीरो कामा वन, तो ये आ जाएगा आपका जीरो कामा जीरो वन। ठीक है, और यही हमको फाइंड करना था, देखो टी वी वन गामा टी वी टू गामा, और यही हमारी मैट्रिक्स होती है, तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था, तो ये यहाँ पर अब आपकी मैट्रिक्स निकल करके आ गई है, तो यहाँ पर अब आप लोग अपनी मैट्रिक्स लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लिख लो द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा एंड गामा इज टी बीटा गामा इजकल टू, ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी क्या, पहले इसको रख दो वन कामा जीरो, फिर इसको रख दो टी बी टू जीरो कामा वन आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था, तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स हमने फाइंड किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सबसे अच्छा मेथड है मैंने आपको बताया, लेंदी जरूर लग रहा होगा आपको लेकिन सबसे आसान है, इस पर कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करो कि कौन कौन से स्टेप हैं, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें निकालना है, क्या फॉर्मेट में रखना है किन चीजों को, और फिर आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
यहां पर कहा गया था टी वी वन, ये जो मैट्रिक्स आएगी टी वी वन विद रिस्पेक्ट टू गामा और टी वी टू विद रिस्पेक्ट टू गामा आएगी। तो यहां पर हम लोगों ने इसको किस तरीके से निकाला है, टी वी वन टी वी टू ये तो आपको आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। फिर इसके बाद टी वी वन आपने निकाल लिया, टी वी टू निकाल लिया, विद रिस्पेक्ट टू जब गामा निकालना है तो गामा में हम लोग कौन से हम लोगों ने वेक्टर लिए हैं, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, है ना, ये लिख दिया है मैंने। डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू क्या है, गामा के बेसिस है। तो जब गामा बेसिस के लिए निकालोगे तो फिर मैट्रिक्स क्या बनेगी, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू यहाँ लिखोगे और टी वी वन टी वी टू यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तब फिर इसको रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म तक लेकर के आओगे, तब यहाँ से हमारा निकल करके आएगा टी वी वन गामा और टी वी टू गामा, ठीक है। गामा लग गया यहाँ पर जीरो कामा वन। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होती है टी बीटा गामा, इसको इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, टी बीटा गामा का फॉर्मेट होता है टी वी वन गामा फिर टी वी टू गामा। तो ये चीज यहाँ पर अब आप लोग फिर इसी चीज को रख दोगे, तो ये आपने यहाँ पर रख दिया टी वी वन गामा और ये रख दिया टी वी टू गामा, ठीक है। तो ये पूरा निकल करके आ गया टी बीटा गामा। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, तो ये स्टेप आप लोग याद रखेंगे तब जा करके आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और थोड़ा सा लेंदी है, मुझको समझाना भी था इस वजह से लेंदी हो गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए पूरा और इसको सीखिए, ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।